قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها. Assalamu alaikum guys, this is Ann Khan and you're watching me on channel Ann Khan. I'm back again with a brand new vlog. Aaj main plan kar raha hu is pure Sir Syed Hall ka tour dene ka. Is mahaan kaam mein meri madad karne ke liye mere paas ek mustanda hai jo sada bhai nahi bejati nahi afzal. Maine already pehle bhi vlogs mein dikhaya hua chota chota karke, jaise ki Sir Syed Day mein Stretchy Hall wagera dikhaya tha, my hostel life in Aligarh Muslim University usme bhi hostel ke rooms ke andar ka dikhaya tha, but abhi aisa पूरा नहीं दिखाया मैंने कि हॉल के अंदर क्या क्या चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करें, उसके बारे में बताएं. तो आज इंशाल्लाह वो मैं इनिशिएटिव लिया हूँ वो काम करने का. सो गाइस अभी मैं हूँ अपने हॉस्टल के सबसे बड़े सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पे जो है स्ट्रेची हॉल, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं. فبها الفكر غدا كشموس وسناء العلم سيرفعنا طياب سقتنا إبداعا وطموحا بات يسابقنا فبها الفكر غدا كشموس وسناء العلم سيرفعنا طياب سقتنا إبداعا وطموحا بات يسابقنا. Stretchy Hall अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, अभी कुछ दिख नहीं रहा है, बट ये सारी चेयर्स लगी हुई हैं और बीच में एक पोडियम टाइप का है जहाँ पे कोई स्पीच वगैरह होती है, सेमिनार वगैरह होता है या अवार्ड फंक्शन होता है, तो यहाँ से अवार्ड दिया जाता है. और ये कुछ ऐसा है हॉल की तरह. और इसके बारे में अगर आपको और डिटेल्स में जानना तो मेरा वही सर से ये डे 2019 वाला व्लॉग है, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था कब बना था, कैसे बना था, क्या क्या चीजें होती थी, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे व्लॉग में, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं. अब मैं चलता हूँ अपने हॉस्टल के दूसरे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरफ. अभी शूट करते करते नमाज का वक्त हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए. जमात खड़े होने में 5 मिनट बाकी है बस. नमाज खत्म हो चुकी है, नाउ वी आर बैक टू वर्क. अभी हम जाएंगे विक्टोरिया गेट की तरफ, सेकंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है आफ्टर स्ट्रेची हॉल. तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं क्या, विक्टोरिया गेट बोलते हैं. और ये पीछे जो है घंटा घर क्लॉक टावर है, ये हर घंटे टन 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 आवाज करके शोर करता है. अबे कोई है नहीं तो मैं कुछ देर के लिए अपना मास्क निकाल सकता हूँ. ये मेरे पीछे विक्टोरिया गेट, ये सेकेंड गेट है जहाँ से लोग आते जाते हैं. ये फिलहाल अभी बंद है, इस गेट से भी एंट्री होती है और एग्जिट के लिए भी ये काम आता है. और ये पीछे हॉस्टल्स हैं. अब ये जो कैलीग्राफी पीछे आप देख रहे हैं ये अभी नई नई हुई है, इससे पहले नहीं थी. और ये है अपने इस हॉल का गार्डन. अभी तो फिलहाल बहुत कम ही बचे हुए हैं प्लांट्स, एक वक्त था जब यहाँ पे भरे रहते थे. ये पूरा कैंपस ही काफी ग्रीन है. झाड़ियों के पीछे मैं रे कुछ गलत अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसी गलत सोच पे आ थू. और ये झाड़ियों के पीछे क्रिकेट हो रहा है, और झाड़ियों के पीछे ही तो क्रिकेट हो रहा है भाई. ये देखो हमारे हाथों में शक्ति आ चुकी है. गाइस आर यू एबल टू सी माई हैंड्स आर कंट्रोलिंग माई कैमरा. ये कैनेडी वो था, यूएस का प्रेसिडेंट था वो. ये है बेक मंजिल लिटन लाइब्रेरी. अगर कोई डोनेट करता है जैसे कि ये लिटन लाइब्रेरी है बगैर जान के हिस्ट्री मत बता, नहीं तो मैं बगैर जान के मैं हिस्ट्री नहीं बता सकता, बट जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये इन्होंने चुप रहे मेरे को बताने दे, ये शायद ये जो सरनेम है इनका, इन्होंने इनको डोनेट किया होगा सर सैयद अहमद खान को, तो उस नाम से बना हुआ, क्योंकि यहाँ का रूल है सर सैयद अहमद खान जो कुछ भी कोई डोनेट करके देता था उसके नाम से उस चीज़ को बना देते थे, अपना नाम उस पर नहीं डालते थे. तो वही चीज़ है, वही हाल है बैक मंजिल का भी, वही हाल है इसका लिटन लाइब्रेरी का. ये लिटन नाम सुना हुआ लग रहा है, लिप्टन ग्रीन टी, ग्रीन टी लिप्टन होता है. ये पीछे हॉल लाइन से पूरे हॉस्टल ही हॉस्टल है, जस्ट अ फाउंटेन. तो अभी हम जा रहे हैं छत पे, छत से शॉट्स लेंगे इंशाल्लाह. सोलार पैनल्स ही हैं यहाँ पर, इधर से केरला वाला भी आ रहा है. ये पीछे वाटर का टैंक,
यहाँ पे खेला हो रहा है। मगर प्लेयर तो दिख ही नहीं रहे, सिर्फ 1.5x ज़ूम है मेरे में। अच्छा, लोगों ने मेरे व्लॉग में एक चीज कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा नोटिस की होगी, जब मैं अपने हॉल में शूट करता हूँ यहाँ पे सोलार पैनल्स बहुत ही ज्यादा हैं। उसका रीजन ये है कि आधा से ज्यादा जो है पावर जो है यहीं से जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। ये गरीब आदमी जहाँ अच्छी जगह देखी नहीं फोटो शूट कराने बैठ गए हैं। ये कैमरा मैन को हमारे व्यस्त कर दिया इसने, ₹5 पर फोटो। अफजल पैसे लेकर इसको फोटो देना, बहुत पैसे हैं इसके पास। ये यहाँ से आपको जो दिख रहा है ये यूनियन हॉल है। ए, यूनियन हॉल में कौन बैठता है? अच्छा हाँ, वो जो कैंडिडेट्स वगैरह इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। एक मिनट मैं नीचे उतरता हूँ फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते हैं वो जब जीतते हैं तो उनकी ऑफिस वगैरह यहाँ पे, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सब सबकी ऑफिस यहीं पे रहती है। بورك تم يا خلاني داري يا نور هدايا أسري فيك للغاية أتلو اللايا واللايا وبدا يسمو إيماني. So guys, मैंने स्ट्रेची हॉल से शुरू किया, स्ट्रेची हॉल दिखा दिया, फिर विक्टोरिया गेट हो चुका है, फिर यूनियन हॉल थोड़ा बहुत ऊपर से दिखा दिया है, हॉस्टल्स भी थोड़े बहुत आपको दिखा दिए। हॉस्टल कुछ है नहीं, मैंने उसका ऑलरेडी एक टूर दिया हुआ है, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, माई हॉस्टल लाइफ इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए। अभी मैं जा रहा हूँ लास्ट चीज, जो सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मैं भूल गया था उसको बोलना, वो स्ट्रेची हॉल से बड़ा हुआ है मस्जिद, जिसको लोग बहुत दूर दूर से आते देखने, जो कि दिल्ली की जामा मस्जिद जैसी बिल्कुल सेम टू सेम है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, जामा मस्जिद की तरफ, और मैं खड़ा हूँ बालकनी पे। ओ, बहुत नीचे है भाई। कैमरे को ऑपरेट करना बहुत ही लोहा लेने वाला काम है, अपने असली मालिक के पास जाओ, मेरे लिए फोन ही सही है, इसी में शूट भी कर लेता हूँ, इसी में एडिट भी कर लेता हूँ, इसी में सब हो जाता है। अल हबीबी। गाइस, ये जो आपके सामने है ये सर सैयद अहमद खान की कब्र है, और ये जो रूम है ये मस्जिद के इमाम जो होते हैं उनके लिए रूम है। فلنحن المستقبل وطني لفضاء الفخر مطامحنا وطني بالعلم سنعليه وسنشعل فقم. अभी ये नया नया सर सैयद हाउस नया नया इनॉग्रेट हुआ हुआ है, आई थिंक इनॉग्रेट नहीं हुआ है, अभी नया नया रेनोवेट हुआ है, पहले इससे पहले था बट वो अबे मैं काला क्यों आ रहा हूं। So guys, वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। अभी मुझे इंशाल्लाह कैंपस का भी टूर देना, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट का भी टूर देना, अगर मैं कर पाऊंगा तो इंशाल्लाह करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मेरा नेक्स्ट टारगेट है इस अप्रैल के एंड होने से पहले 1500 सब्सक्राइबर्स, मुझे लग रहा है बहुत बड़ा टारगेट है, बट इंशाल्लाह अल्लाह विल्स ये कंप्लीट हो जाएगा। सो आई अर्ज यू गाइस टू शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم ليطويه تخرج.